माता अन्नपूर्णा की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज 14 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जा रही है। आज के दिन श्रद्धालुओं ने वाराणसी के गंगा घाट पर स्नान किया और मां सरस्वती का ध्यान करते हुए उनकी पूजा अर्चना की। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की आज बसंत पंचमी है। आज बड़े बड़े श्रद्धालु लोग बाहर से आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सरस्वती माता का ध्यान करते हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन इत्यादि करते हैं। आज के दिन बहुत मान्यता है। आज के दिन कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े से लेके बुजुर्गों से जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वो गंगा स्नान करके सरस्वती माता का ध्यान करके सरस्वती पूजन आज के दिन करते हैं। आज के दिन कम से कम तो 20 से 25 हजार तो भी तो हम भीड़ देखे तो ऐसे अनंत भीड़ आती जाती। बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज बसंत पंचमी है और इस दिन हम लोग जो है सरस्वती माँ का पूजा करते हैं और ये बसंत पंचमी में जो है हम लोग मंदिर आते हैं, घाट पे जो है नहावन होता है, उसके बाद पितरों लोगों की पूजा भी होती है। इस दिन मान्यता है कितनी मान्यता है आज के दिन का? आज के दिन का तो बहुत भव्य बहुत अच्छी मान्यता है क्योंकि इस दिन हमारी जो है सरस्वती माँ का विद्या पाठ का पूजन होता है। माघ मास के बसंत पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है और खास करके विशेष संगम स्नान का विशेष महत्व है, तो जो लोग संगम नहीं पहुंच पाते हैं वो कम से कम गंगा घाट पे जाके स्नान कर लें। और आज माता सरस्वती का प्राकटोत्सव भी मनाया जाता है समाज में। कितनी संख्या होगी आज? और लाखों में कह सकते हैं, चूँकि गिनती तो है नहीं कितने लोग स्नान करेंगे गंगा मैया के आंचल में। बसंत पंचमी का त्यौहार है, हमारे हिंदू पर्व में बहुत ही अच्छा त्यौहार इसको मनाया जाता है। लाखों की संख्या यहाँ माँ गंगा के तट पे आती है स्नान करने के लिए और स्नान करने के बाद माँ गंगा के चरणों में अपना शीश और अपने पूर्व जन्म के रथ को बनाते हुए और यहाँ माता के चरणों में और स्नान करने के बाद गौ दान और यहाँ पे अनेकों प्रकार के दान दिए जाते हैं और लोग आते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक करते हैं, इसकी पापों से निवृत्ति होती है और लोग बहुत अच्छे से इसको मनाते हैं। लाखों की संख्या में आते हैं, अनेकों जगह से आते हैं और इससे सुख समृद्धि भी बनी रहती है। बता दें कि आज तड़के सुबह ही हजारों श्रद्धालु यहां गंगा मैया में डुबकी लगाने पहुंचे हैं।